बेटे का वरदान ले रानी हो हो फूली नहीं समाई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की जो दिन दिन कला सवाई हो बेटे का वरदान ले रानी फूली नहीं समाई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की जो दिन दिन कला सवाई हो समाई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की जो दिन दिन कला सवाई कवि ना गिनवाना शुरू करया पहले महीने में क्या करना चाहिए दूसरे में क्या करना चाहिए कौन कौन से काम बताए ध्यान तो सुनना के दर्शाया हेरा पहला महीना हुआ रानी ने पहला महीना हुआ रानी ने वासुआ सुपारी खाने गंगा जल का लोटा लेके शिवजी पूजन जान लगी दूजा मिन्ना हुआ रानी ने वा मटना मलमल नाण लगी 24 घंटे हरी हर रटती हरी कीर्तन गान लगी 24 घंटे हरी हर रटती हरी कीर्तन गान लगी तीजा मिन्ना ओ तीजा मिन्ना हुया रानी ने छागी चेरे पजर दाई हो बेटे का वरदान रानी ने भूली नहीं समाई अरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की जो दिन दिन कला सवाई हो सुआ सुपारी खान लगी गंगा जल का लोटा लेके शिव जी पूजन जान लगी दूजा महीना होया रानी ना मटना मलमल नहान लगी 24 घंटे हरी हर रखती हरी कीर्तन गान लगी सजनों ये काम पहले की जो महारानी रानी महारानी जो पुरानी औरत होया करती ये काम करया करती जब इसे ठाडे ठाडे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा होया करते लेकिन आज आली इतने जाम जाम घेर दिया जंगल को ऐसा हो रहा वो हाथ को ऐसे भी दूजिया पन्नू नी बेरा कौन से महीने में क्या करना चाहिए लोगों एक महीना तो शास्त्रों में भी इशा बताया है उस महीने में गर्भवती औरत के आगे के को काला आदमी निकल जा चाहे पति कितना सुथरा हो वह कितनी सुथरी हो गर्भवती औरत के आगे के जब काला आदमी निकल जा छोरा भी काला ही होगा हकीकत बात है लेकिन वो कौन सा महीना है ध्यान रखने की बात क्या दर्शाया क्यों करे उन्ने झूठ बोलना छोड़ दिया सतका नरजा दरिया काल जे घाट तोलना छोड़ दिया 5वां महीना हुआ रानी ने उन्ने घूंघट खोलना छोड़ दिया कदे बेटे पे कदे
भीमचंद जी के शिष्य हुए मांगेराम जी, उन्होंने ये 9 महीने की जो पूर्ण संरचना ऐसे बता दी, बिल्कुल काम आने वाली। और एक रागनी मन यू भी बताइए मांगेराम ने कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पंडित लक्ष्मी चंद ने कही है कि नर कर आगे का ख्याल मत ना, चौड़ा होगा चाल बुढ़ापा बैरिया होगा, के खेल खिलाओगा। लेकिन आजकल बुढ़ापा भी ताऊ जी है, मौज ले ही भी थोड़ी देर पहले छोरिया का नीनाख मार रोज ताऊ नु बेशक आख्या तो दिखता कम हो। एक बार एक ताऊ जी शाह अस्पताल में आंख बनवाने चला गया, हाँ आंख बनवाने चला गया। और जब आंख का ऑपरेशन हो गया, उस डॉक्टर ने पट्टी खोली आंख्या की, आंख्या की पट्टी खोल कर एक बगल में कंपाउंडर छोरा खड़ा था, बोला ताऊ का गया। वो छोरा ताऊ का खड़ा कर दिया, ताऊ तो बोला ताऊ देख साफ दिखे है। ताऊ ने लाका हाथ नु को हो भाई धुंधला दिखे है। फिर बगल में एक और छोरा खड़ा था, वो आगे खड़ा कर बोला ताऊ ईब देख। अब उसने भी देख के बोले ना धुंधला दिखे है। अब वो डॉक्टर समझ गया, बगल में एक या जो उराई उरान छोरी बैठी है ना, इसी खड़ी थी नर्स बगल में, उसने खड़ी करी इनको, तू खड़ी हो एक बार। अब वह छोरी खड़ी होते ताऊ तो बोले इनको आ दिखे ताऊ। ताऊ ने लाका आड़ा हाथ नु कहा बेटा कति साफ दिखे है। डॉक्टर बोला ताऊ एक बात बता, तेना छोरे दिखते नहीं, अरे छोरी क्यों कर देख ली। ताऊ बोले रा बावली बूची इसी इसी चीज तो मैं भीतमा के देखती हूँ। ईशा जमाना आ गया, 3 महीने और रह गए, 7वां 8वां और 9वां उनमें क्या करना चाहिए एक गर्भवती औरत को, क्या दर्शाए क्यों करे के बताए। अरे 7वां महीना, अरे 7वां महीना हुआ रानी ने उन्हें कति खटाई छोड़ दई, सूक्ष्म भोजन थोड़ा भोजन लगी खाने ने कति मिठाई छोड़ दई। 8वां महीना हुआ रानी ने आख्या में स्याही छोड़ दई, हरदम लेटी रे पलंग पे बाहर घुमाई छोड़ गई, हर दम लेटी रे पलंग पे बाहर घुमाई छोड़ गई। हमारे बीच सुमन वीरेंद्र गोठड़ी हमारे बीच में पहुंची है, एक बार जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और बहन जी का स्वागत हमारे निर्मला देवी जी करेंगी, शॉल उठा के आ जाइए बहन जी, ऊपर आ जाइए। ये चढ़ने का नहीं बनाया आपने, अच्छा उधर के है, आ जाइए आ जाइए। अरे हर दम लेटी रे पलंग पे बाहर घुमाई छोड़ दई, हर दम लेटी रे पलंग पे बाहर घुमाई छोड़ दई। नो मामिना हो, नो मामिना हुया रानी ने उन्हें हर में सुर दिलाई, कर सुमन वीरेंद्र कोठड़ी जी का स्वागत किया गया। एक बार आप हाथ उठा के आशीर्वाद जरूर दे दीजिए। सुमन वीरेंद्र कोठड़ी जी हमारे बीच में हैं, यहां पर पहुंचने पर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। के ताऊ जी ने 10 रुपए से मान सम्मान किया, ताऊ के तो 10 रुपए 10,000 बराबर मेरे खाते।
और मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था रागनी में, रागनी अपना ठीक तो लग रही होगी ना जी? बढ़िया लग रही है, एक बार ताली बजाकर बता दो, मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा। आज की डेट में एक और बात बताई, क्या बहू पे लम घर में आ जाओ ब्याह करके छोरा बहू ने लिया वे। आज की डेट में आते ही बहू सासू ने बहू तो सबसे पहला छोरा चाहिए, पोता चाहिए, पोती ना चाहिए किसे ने भी। अरे जा किसे का आस पड़ोस में पोती हो भी जा, वह बूढ़ी पूछे के फलाने का क्या होया है, वह बताओगी नु फलाने का तो छोरी हुई है। वो बूढ़ी नु कहेगी ओ हो जमा बाठो या आन पड़ो। अरे वह बूढ़ी ने नू ना बेरो तू आई जब के सोनू बरसो तो। पर फिर भी जमाना बदल गया, बूढ़ी ना छोरा चाहिए, छोरी किसे ना नहीं चाहिए। इस आखिरी और चौथी कली में जो जो काम पंडित मांगेराम ने लिखे और उनकी कविता ही के माध्यम से जो जो काम मैं आपने बताऊं, अगर वे काम कोई औरत या कोई आदमी अपनी लुगाई पर करवा दे, मैं गारंटी दूं 95% छोरा होगा। और जब 5% छोरी हो भी गई, वह भी घाटनी होगी, वह भी बहुत बढ़िया होगी, लेकिन वे काम बड़े कठिन है। ध्यान तो सुनना, एक भी शब्द लिख गया सारी रागनी बेकार, आखिरी कली में निचोड़ा पूरी रागनी का कौन से काम है वे? क्या लिखा? सो गऊ बुला के बार दूध में बेके दाल खुआवे, फिर उतर जा परेली पार। सो सो बमन रोज जिमावे, दुनिया में मच जा किलकार। फूल कुमार सोचे भाई कद हो